उसके बाद जो मेन कंपैरिजन है हमारा लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में, वो है हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमिकल अप टू टू स्टोरी बिल्डिंग है लोड बेयरिंग में, मगर फ्रेम स्ट्रक्चर में आप इकोनॉमिकली ओके। फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लोड बेयरिंग ऑफ वॉल्स, उसके बाद फ्लेक्सिबल ड्यू टू वॉल्स सर्विंग पार्टीशंस ओनली ओके। उसके बाद रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन ड्यू टू मशीन एंड अर्थक्वेक, यहाँ पर आपको वेस्ट एंड मशीन वाइब्रेशन एंड अर्थक्वेक फोर्स प्रोविजन इज मेड इन डिज़ाइन। आप यहाँ पर डिज़ाइन में प्रोवाइड कर सकते हो गाइस स्ट्रक्चर में, मगर यहाँ पर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो ओके। आप डिज़ाइन ही ऐसा कर सकते हो फ्रेम स्ट्रक्चर में जो कि आपको स्ट्रॉन्ग कॉलम प्रोवाइड करना है ओके। वेट बीम हुए तो भी चलेगा, मगर उसका फाउंडेशन और कॉलम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए गाइस।